हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस डेस्टिनेशन। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, चेस्ट वर्कआउट। तो मैं आपको थोड़ा सा चेस्ट के बारे में बता देता हूँ। चेस्ट की दो मसल होती हैं, एक अपर मसल होती है, एक लोअर मसल होती है। जो अपर मसल होती है उसको बोलते हैं क्लेविकुलर हेड, और जो लोअर मसल होती है हमारी उसको बोलते हैं स्टर्नल हेड। बट हम तब वर्कआउट करते हैं तो हम उनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अपर वाला हमारा अपर चेस्ट हो गई, मिड वाला पार्ट हमारा मिड चेस्ट हो जाता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो हमारा लोअर चेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको इन तीनों पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज बताऊंगा, और एक ऐसी एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो आप लोग नहीं करते हैं, जहाँ तक कि 90% लोग वो नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए आइए फिर चलते हैं। सो गाइस, हमारा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, आपने देख लिया होगा। और वार्म अप आप करते हैं तो 10 to 5 minutes कीजिए, और हम पहली एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज हमारी कंपाउंड एक्सरसाइज है, जिसका नाम है इंक्लाइन बारबेल प्रेस। और हम ये पहले क्यों कर रहे हैं, मैं ये आपको पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो अपर चेस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। अगर आप स्टार्टिंग में से करेंगे तो आपकी फुल एनर्जी के साथ 100% आप इसे एक्सरसाइज को दे पाएंगे। अब मैं इसके आपको कहते हैं सेट्स बताऊँगा, और क्या पोस्चर रहता है, कैसे रहता है, पूरा देखिएगा, ठीक है। तो गाइज, मैं आपको इसका पोस्चर बता देता हूँ, क्या करना है। ये अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद हमारी जो ट्रैप मसल है उसको बेंच के साथ टच करना है, और इसको ऐसे पकड़ना है कि हमारा तो नीचे ना है, तो हमारा 90 degree एंगल बनना चाहिए। ये हमने फुल थंब पकड़ा, ये अब ये पूरा अपर चेस्ट पे आना चाहिए। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहे, लो मसल पूरा। इसका ये रहेगा पोस्चर, और जो इसके सेट रहेंगे वो आप 3 to 4 सेट कर सकते हैं, और रैप्स जो है वो 12 to 15 के रैप्स कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आइए गाइस, इस एक्सरसाइज का नाम है इंक्लाइन डंबल प्रेस। अगर आप बारबेल से नहीं करना चाहते तो आप इससे कर सकते हैं। इसका भी सेम पोस्चर रहेगा, बट मैं तब भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें भी वही रहेगा, हमारे जो ऊपर हाथ रहेंगे वो शोल्डर से हल्का सा बाहर रहेंगे, और लोअर बैक हमारी टच नहीं होनी चाहिए, और ये पूरा डाउन, अप डाउन। स्टार्टिंग में बार से बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है बिगिनर्स को खासकर, तो वो ना करके डंबल्स पे कर सकते हैं ट्राई। इसलिए मैंने एक और आपके लिए ऑप्शन रखा, इंक्लाइन डंबल प्रेस। सो गाइस, हमारी चेस्ट वर्कआउट की सेकंड एक्सरसाइज है, जिसका नाम है फ्लैट बेंच प्रेस। इसका मैं आपको पोस्चर बता देता हूँ कैसे क्या होता है, पर उससे पहले इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज करने से हमारी एक तरीके से पूरी ओवरऑल हमारी चेस्ट कवर होती है, ओवरऑल पूरी चेस्ट। तो मैं आपको इसका पोस्चर बता रहा हूँ, आप देखिएगा। भी सेम रहेगा गाइस, हमारे ट्रैप मसल बेंच पे टच होंगे, और जो हमारी लोअर बैक है वो बेंच के बीच में गैप रहता है। उसके बाद इसको भी वही सेम ग्रिप पकड़ना है हमें, कि नीचे हम आए तो 90 degree बने, और फुल थंब पकड़ना है, अब ये पूरा टच करना, पूरा रेंज ऑफ मोशन पूरा होना चाहिए, और देखना बिल्कुल ऊपर है, गर्दन में नहीं हमें ऊपर उठानी। ओ
और मैं यही एक्सरसाइज आपको डंबल से भी करके बताऊंगा। और जो इन दोनों एक्सरसाइज के जो आप रैप करेंगे वो आप करेंगे 12-13 और 3 सेट्स। सो गाइज मैंने अभी आपको एक्सरसाइज करके बताई फ्लैट बेंच की, और वही सेम एक्सरसाइज हम डंबल से करते हैं, फ्लैट डंबल प्रेस। मैं आपको इसका पोस्टर बता देता हूँ, पोस्टर सबका सेम रहता है, बस इसमें भी वही है आपकी एक तरीके से पूरी मसल इसमें चेस्ट पूरी कवर हो जाती है। इसमें भी आप एक बार पोस्टर देख लीजिए, इसमें वही सेम रहेगा, हमारे ट्रैप जस्ट नीचे टच होंगे और बैक और बेंच के बीच गैप रहता है, ये पूरा हमें नीचे लाना है, इससे हमारा रेंज ऑफ मोशन जो पूरा बराबर आना चाहिए। आप डाउन मैंने आपको इसके रैप बता ही दिए हैं, 3-4 सेट्स करने हैं और जिनके रैप्स हैं वो 12-15 करने हैं। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है और मैंने देखा है अक्सर कि ये एक्सरसाइज लोग करते ही नहीं है, 99% लोग ये एक्सरसाइज करते ही नहीं है, तो ये एक्सरसाइज पूरी देखिएगा, ये एक यूनिक एक्सरसाइज है, अलग एक्सरसाइज है। ज़्यादातर लोग ये मैंने देखा है डंबल से करते हैं, बट केबल से करने पर जो आपका मसल पर जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ही अच्छा पड़ता है। एक बार आप जरूर ट्राई भी करिएगा और मैं बताता हूँ आपको इसका क्या पोस्चर रहता है, कैसे क्या करना है सब कुछ। और देखिए गाइस इसमें भी पोस्चर आपका सेम रहता है, आपके जो ट्रैप मसल है वो टच रहेंगे और बैक और बेंच के बीच गैप रहेगा, इसको फुल थंब पकड़ना है और यहाँ हमारे हाथ स्ट्रेट रहेंगे, ये हम यहाँ पे हमने हल्का सा बैंड किया वही 90 डिग्री और ये फिर ऊपर गाइस। जो हमने ये एक्सरसाइज करी इस एक्सरसाइज का नाम है फ्लैट बेंच केबल क्रॉस, और ये एक्सरसाइज आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये जो हम डंबल से फ्लाइज करते हैं उससे कई गुना अच्छी है, तो एक बार आप जरूर ट्राई जरूर करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइस ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है डिक्लाइन बेंच प्रेस, ये हमारे लोअर जो चेस्ट होती है उसको हिट करती है, इसका भी पोस्चर सेम रहता है, लगभग हमने जितनी भी एक्सरसाइज करी है उसमें सबका पोस्चर सेम रहता है, बट मैं तब भी आपको बता देता हूँ जो लोग बारबेल से करना चाहते हैं वो बारबेल से करें और जो लोग डंबल से करना चाहते हैं डंबल से करें, मैं डंबल का भी बता दूंगा, और जिसको रैप रहेंगे आपके वो रहेंगे आपके 3 सेट्स और 10-15 रैप रहेंगे। मैं आपको इसका पोस्चर दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए गाइस, इसमें भी वही सेम रहेगा, हमारी ट्रैप मसल नीचे टच होगी, लोअर बैक और बेंच के बीच गैप रहेगा, फुल थंब ग्रिप पकड़नी है और पूरा ये हमें लोअर चेस्ट पर टच करना है, और अप टच अप, स्पीड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जरूरी नहीं है बहुत ही ज्यादा फास्ट करना है आपको या बहुत ही ज्यादा स्लो करना है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से आप स्पीड रखो, रेंज ऑफ मोशन फुल होनी चाहिए, रैप मैंने आपको बता दिए और हमारी इसके बाद अब लास्ट एक्सरसाइज है वहां चलते हैं। सो गाइस ये हमारी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, और मैंने अक्सर देखा है कि लोग ये एक्सरसाइज भी नहीं करते, ये एक्सरसाइज आपके इनर जो चेस्ट होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये भी एक बार आप ट्राई जरूर करना, मैं आपका इसका पोस्चर बता देता हूँ। ये हमारे डंबल यहाँ पर बिल्कुल बीच में जुड़े हुए रहेंगे, चेस्ट अप रहेगा, पोस्चर हमारा सेम वही रहेगा जो हमने और एक्सरसाइज में किया, और ये हमें मिड चेस्ट पे टच करना है, और ये अप टेक डाउन, ये अप। सो गाइज इस एक्सरसाइज की जो सेट्स हैं और रैप्स हैं वो थोड़े हम हाई रखेंगे, बट वेट आप अपना थोड़ा कम रखना, इसकी जो हम सेट करेंगे 4 सेट करेंगे और जो हमारे रैप्स रहेंगे वो हमारे 20 के रहेंगे 4 सेट्स। सो फाइनली गाइज हमारा चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको सारी एक्सरसाइज बता दी, कंपाउंड एक्सरसाइज भी बताई है बाहर से, डबल से एक्सरसाइज बताई, एक यूनिक एक्सरसाइज भी बताई है फ्लाई जो होती है वो जरूर ट्राई कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरी ट्राइसेप की वीडियो नहीं देखी है बाइसेप की वीडियो नहीं देखी है जो भी वो मेरे सारे मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है वहाँ जाइए और पूरी वीडियो देखिए, और बाकी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वीडियो से नहीं किसी भी वीडियो से तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मेरे को DM कर सकते हैं। मिलते हैं।
lit. Roll up to the party, roll up, roll up.